थाटों के रियाज को करने का सही तरीका क्या है? थाट में जब आप अलंकार गाते हैं, जो जिनसे आपका गला मजबूत आप करना चाहते हैं, अलग अलग लयों में जिनको आप करना चाहते हैं, आकार में करना चाहते हैं, स्वरों में करना चाहते हैं, अलग अलग सप्तकों में करना चाहते हैं, उन्हें रियाज करने का एक सही ढंग क्या होता है, आज वो मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा और जानिए कि थाटों में कैसे आप रियाज कर सकते हैं और क्या क्या उनके पॉइंट्स हैं जो आपको ख्याल रखने चाहिए। मेरा यार तू, मेरा प्यार तू, मास्टर निषाद प्रोडक्शंस पर आप सुनिएगा ज़रूर, मेरी सिस्टर का सॉन्ग है, अभी अभी आपने टीज़र देखा। तो आइए बात करते हैं थाटों के रियाज पर। देखिए, पहले भी मैं ये चीज़ कई बार बता चुका हूँ, फिर से एक्सप्लेन करूँगा। जब भी हम अलंकारों का रियाज करें तो सबसे पहले तो मैंने यही कहा है, मैंने भी यही चीज़ सीखी अपने गुरुजनों से, कि स्लो लय में करना चाहिए, तेज़ गति में एकदम से रियाज नहीं करना चाहिए। धीमी धीमी गति में एक एक सुर को लंबा लंबा लगाते हुए जब आप रियाज करते हैं, तब जाके उस सुर को साधा जा सकता है, वरना जल्दबाजी में तो वो सुर प्रॉपर लगता ही नहीं है, है ना। ये वही बात है, जब अगर आपको चलना है तो चलने के लिए पूरा कदम जो है, एक पूरा पाँव जो है वो पूरा एक कदम में आता है ना, एक एक करके पड़ता है। धीमे धीमे कोई काम पहले शुरू की जाए किया जाए तब क्या है, उसकी बारीकियां मालूम चलती हैं, वरना वही काम अगर जल्दी जल्दी में आप कर दोगे तो उसकी डिटेल्स जो हैं वो मिस हो जाती हैं, और फिर आपको उसमें जो फाइन ट्यूनिंग है वो बाद में करनी पड़ती है। अब जैसे तबला भी मिलाया जाता है, तो ऐसा नहीं कि सारे एक एक ठक 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 आप एक एक घर हर घर को एक 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 कर जल्दी जल्दी मिला देते हैं, ऐसा नहीं होता है। इंडिविजुअली पहले एक एक घर को इंडिविजुअली मिलाते हैं आप अच्छे से, उसके बाद जाके चलो फाइन ट्यूनिंग करते हैं, है ना। उसी तरह से हारमोनियम ट्यून होता है या तानपुरा ट्यून होता है, तो ऐसे ही होता है, एक एक तार पर वक्त दिया जाता है, है ना। तो उसी तरह से जब आप अलंकारों का रियाज करते हैं तो पहले एक एक सुर को वक्त दीजिए, धीमा धीमा लंबा लंबा लगाइए, उसके बाद उसकी गति बढ़ाइए। तो पहली चीज़ तो यह ख्याल रखनी होती है कि स्पीड हमेशा स्लो टू फास्ट जाएगी, एकदम से फास्ट में आप शुरू नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ पहले एक चौथाई लय से, जैसे कि हम करते हैं सा रे ग, तो आप देख रहे हैं एक 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 चौथाई में, यानी कि एक के बाद तीन गैप देते हुए फिर इसकी दोगुना करते हैं सा रे गा। कोई सा भी आप अलंकार कर रहे हैं, पहले आप कम लय से शुरू कीजिए, उसके बाद के जितने अलंकार आप सीक्वेंस में गा रहे हैं उनमें गति बना लीजिए। तो एक तो ये चीज़ है गति की, दूसरी चीज़ आती है बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्नामेंट की। ऑर्नामेंट यानी अलंकारों को अगर अलंकृत आप करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, है ना। ये थोड़ा सा टिपिकल थोड़ा वर्ड प्ले आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। म्यूजिकल ऑर्नामेंट्स अगर आपने सुने हो, ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं, अलंकार होते हैं। अलंकार यानी वो जो सुशोभित करते हैं, जो हमारे जेवर होते हैं, अगर हम उनको भी कहें, वो भी क्या है, अलंकार ही तो हैं, है ना। अगर हमने किसी महिला ने कान में बाली पहनी है, नाक में नथनी पहनी है, या कोई हार पहना है, या फिर हमारे लिए अगर किसी मेल ने कोई घड़ी पहनी है, चश्मा पहना है, या उसने भी उसके बाल अगर अच्छे लग रहे हैं या चेहरा अच्छा लग रहा है, तो वो सारी चीज़ें किस अगर किसी अलंकार की वजह से, यानी किसी ऑर्नामेंट की वजह से अच्छी लग रही हैं, सुशोभित हो रहा है, यानी उसकी शोभा को बढ़ा रहा है। उसी तरह स्वरों के भी अलंकार होते हैं, है ना। यानी वो चीज़ें, वो टेक्निक्स जो उस सुर को अलंकृत करती है, और जो क्या क्या हैं, मीड, गमक, मुरकी, हरकत, ये सारी चीज़ें जो आपने नाम सुने हैं ये उसमें आते हैं, खटके। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप अलंकारों का रियाज करें तब नहीं लगानी होती हैं, है ना। ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा सुनने में आपको, लग रहा होगा कि यार फिर हम उनका रियाज कब करेंगे, है ना। तो मैं उसका रीज़न देता हूँ कि क्यों नहीं लगानी होती, क्यों हमें अलंकारों को, थाटों को फ्लैट रियाज करना चाहिए, यानी एक एक सुर सीधा सीधा, जैसे कि सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा सा रे ग म प। आपने देखा मैं तीन थाटों को मैंने बदला, लेकिन एक में भी मैंने कोई अलंकार नहीं लगाया, कोई भी मीण गमक ऐसा नहीं लगाया। कैसा नहीं करना है वो भी करके बताऊं तो, सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा सा रे ग म। आपने देखा सा रे
रे को गंधार से लेना या फिर पादा निषाद से धैवत लगाना, ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? जब यही अलंकार यानी ये ऑर्नामेंट्स किसी राग में लगते हैं तो अलग अलग लगते हैं। कोई एक सुर एक ही अंदाज से नहीं लगता है सारे रागों में। वही कोमल ऋषभ है लेकिन वो भैरवी में अलग लगता है, और वही कोमल ऋषभ बिलास खानी तोड़ी में अलग लगता है। वही तीव्र मध्यम आपका मारवा में अलग लगेगा, वही तीव्र मध्यम आपका यमन में अलग लगता है। तो हर सुर का जो ऑर्नामेंट है यानी उसका जो सुर मान है, कोमल तीव्र जैसा भी है, वो हर राग में उसके चलन अनुसार लगता है, है ना। किसी में गंधार अति कोमल है, किसी में गंधार नॉर्मली कोमल है, है ना, और किसी में गंधार को ऋषभ के जो है स्पर्श से लिया जाता है, किसी को तीव्र मध्यम के स्पर्श से जाता है। तो सब में अलग अलग ढंग से वो सुर लगता है। तो अगर आप थाटों में एक ही तरह से उसका रियाज कर लेंगे तो पहली चीज वो एक ब्लॉकेज माइंड में बैठ जाएगा, फिर उसको वहां हटा नहीं पाओगे। जब राग में वो सुर लगाना होगा तब उसको लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर ली है कोमल ऋषभ को गंधार के साथ ही लगाने की, और वहां पे कोमल ऋषभ चाहिए निषाद के साथ लगाना, तो वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए फ्लैट रियाज करने से क्या है, रॉनेस आप में बनी रहती है। रॉनेस यानी कोरा कागज है अभी, है ना, उसमें भरा जा सकता है कुछ। आपने पहले से निश्चित नहीं कर दिया कि कोमल ऋषभ मैं ऐसे ही लगाता हूं। इसीलिए जब थाटों का रियाज करना होता है तो सीधे सीधे सटीक जो सुर है उनका रियाज करना होता है। जाहिर बात है जब तक वो सटीक सुर ठीक से नहीं लग रहा है उसमें ऑर्नामेंट सुशोभित नहीं करेगा। अगर आपका वो कोमल ऋषभ ही आपका जो है सुर में नहीं है तो उसको आप अगर मीण से या गमक से लाएंगे या कण से लाएंगे तो वो कैसे खूबसूरत लगेगा, है ना। ये वही बात है, अगर आपकी सादगी में वो बात नहीं है, अगर आपके शरीर में, अगर आपके चेहरे में, आपके व्यवहार में अगर वो सादगी नहीं है तो कोई भी अलंकार जो है, कोई भी ऑर्नामेंट आपको सुशोभित नहीं कर सकता, उल्टा वो बदसूरत ही लगोगे आप, खराब ही लगोगे, है ना। मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ, एक मेरा थॉट है, मेरी फिलॉसफी, आप ये समझ लीजिए भले ही से, है ना, कि पहले आपको व्यवहार में, आपको अपने आप में वो सादगी लानी होती है, वो विचारों में वो सादगी लानी होती है, तभी जाके कोई दूसरा अलंकार जो है वो आपको सुशोभित कर सकता है। उसी तरह से स्वरों में जब तक वो सटीकपन नहीं आएगा, वो सीधे सीधे लगना शुद्ध और मेलेडियस नहीं आएगा, स्वरों की जो एक्चुअली में तासीर है वो नहीं आएगी, तब तक वो अलंकृत होकर वो सुशोभित नहीं हो सकते, अच्छे नहीं लगेंगे, वो सुंदर नहीं लगेंगे। इसीलिए थाटों को या जब भी अलंकार करो तो सीधे सीधे सुर लगाओ। इससे क्या है, जब आकार में भी करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीधे सीधे लगा पाओगे। हमारी क्या आदत होती है, मीण गमक हमने इतनी लगा ली कि अब बिना मीण गमक के हम गा ही नहीं सकते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे हाथ में होना चाहिए, हमारे काबू में, हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, वो लगाम हमारे हाथ में होनी चाहिए कि कौन से सुर को कब कोमल लगाना है और कब मीण के साथ लगाना है, कब गमक के साथ लगाना है। अब जैसे सा रे ग म प ध नी सा, ये भी आना चाहिए, तो सा रे ग म प ध नी सा, ये भी आना चाहिए, सा रे ग म सा रे ग म, तो ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए। अब क्या होता है, जब हम गति में जाते हैं, जैसे स्पीड बढ़ा देते हैं और हमारी आदत है कि वो हम तो बिना गमक के या बिना मीण के गा ही नहीं सकते, तो वो वहाँ पर बदसूरत लगता है, है ना। कोई भी चीज़ को अगर ओवरऑल खूबसूरत दिखाना हो तो उसकी बारीकियों को आप सुधार दीजिए, उसकी वो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको आप सुधार दीजिए, तो अपने आप वो ओवरऑल अच्छी लगेगी, है ना। ये चीज़ मैंने मेरे दादा गुरुजी से सीखी है। उन्होंने कोई भी हरकत जैसे कराई या कोई मुर्गी अगर ली, कोई लाइन कैसे ली, अब वो अगर स्पष्ट नहीं आ रही तो उसकी क्या वजह है, उसकी बारीकियों में जाइए कि आपने वो एक जो सुर है इंडिविजुअल उसको आप सीधा नहीं लगा रहे, उसको सीधा कर दीजिए, ऑटोमेटिकली जो ओवरऑल तस्वीर है, ओवरऑल जो आपकी हरकत है वो सुंदर बन जाएगी। तो ये एक चीज़ है, थाटों को कभी भी रियाज कीजिए तो पहले कम लय में कीजिए, और दूसरा उनको हमेशा सटीक सुर का रियाज कीजिए, तो अपने आप आपके बाकी जो मुर्गियाँ हैं गमा के जब आप लगाएंगे तो वो खूबसूरत लगेंगी, अच्छी लगेंगी, ठीक है। तो देखते रहें ऐसे ही हमारे चैनल को, कुछ ना कुछ मैं नया लाता रहूँगा, और मेरा यार तो ज़रूर सुनिएगा मास्टर निषाद प्रोडक्शंस पे। शुक्रिया।